कांग्रेस और राहुल गांधी को लगिला झटका। बेंगलुरु कोर्ट ट्विटर को देले निर्देश। भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस रो ट्विटर हैंडल को करा जाओ ब्लॉक। केजीएफ 2 फिल्म रो गीत को कांग्रेस करथिला चोरी। कांग्रेस रो भारत जोड़ो यात्रा प्रथम रु ही विवाद घेरे रही आसी। एही विवाद मध्यरे बेंगलुरु एक कोर्ट कांग्रेस दल और राहुल गांधी को बड़ झटका देछि। कोर्ट कांग्रेस और यार भारत जोड़ो यात्रार ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने को ट्विटर को निर्देश दे। म्यूजिक कंपनी एमआरटी द्वारा फिल्म केजीएफ 2 रो गीतर कॉपीराइट उल्लंघन मामलें अभियोग निर्देश देता जमापड़ी। एक मामलें शुणाणी कर बेंगलुरु एक कोर्ट यह आदेश देते। कोर्ट कहते जे आवेदनकर्ता सीडी मध्यम प्रमाणित करजिनाल वर्जन को सामान्य परिवर्तन कर व्यवहार कर ए प्रकार विषय मार्केटिंग वीडियो पायरेसी को प्रोत्साहन देव बोली कोर्ट मन करुछि। कोर्ट तंको आदेश रे कहिछंती जे जेउ वीडियो रे एही गीत गुडी को व्यवहार करा जायछि ताकु कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा रो ट्विटर हैंडल रो हटा जाउ ओ एहा सहित एही दुईटी ट्विटर हैंडल को मध्य ब्लॉक करबा को कोर्ट निर्देश दैछंती। एठारे उल्लेख करा जाई पारे जे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पई तैयारी करा जाई थिबा थीम सॉन्ग केजीएफ 2 फिल्म रो गीतरु चोरी करितिबा नै अभियोग आसीथिला। भारत जोड़ो यात्रा रे बाहरी थिबा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विरोध रे एफआईआर होइथिला। एथिरे कुहा जाई थिला जे तांकर एही यात्रा को प्रमोट करबा को जे थीम सॉन्ग तैयारी करा जाई छि सेथिरे केजीएफ 2 फिल्म रो गीतरो अंश को निया जाई छि। एही एफआईआर राहुल गांधी को व्यतीत कांग्रेस रो नेता सुप्रियो सुनेत और जयराम रमेश का मध्य नाम रही थिला। बेंगलुरु यशवंतपुरा थाना रे एही मामला रुजु होइथिला। बेंगलुरु कंपनी एमआरटी म्यूजिक पक्षरु अभियोग करा जायथिला जे कांग्रेस और केजीएफ फिल्म रो गीत को निजर राजनैतिक लाभ पई प्रयोग करिछि। एथिपई कांग्रेस एमआरटी थारु कोनोसी प्रकार अनुमति नै नाही। एपरि करबा द्वारा कांग्रेस कॉपीराइट नियम रो उल्लंघन करिछि बोली कह जायथिला। एही एफआईआर रे राहुल गांधी समेत अन्य दुई जन को ऊपर अभियोग रही थिला जे सेमाने केजीएफ 2 रो गीत फलक तू गरज तू रो दुरुपयोग करिछंती। अभियोग रे कुहा जायथिला जे एभली काम अनुचित लाभ नेबा उद्देश्य रे करा जायछि। राहुल गांधी को एही वीडियो को सोशल मीडिया रे वायरल करथुबा मध्य अभियोग करथिला। ब्युरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज़।